फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हम लोग हैं गोल्डन नगेट होटल के सामने। आज हमारा टूर है ग्रैंड कैनियन का एंड वी आर वेटिंग फॉर आवर टूर बस। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे ग्रैंड कैनियन। हमने अपना टूर ऑनलाइन बुक करवाया था, इसमें हमें पिक एंड ड्रॉप, ब्रेकफास्ट और लंच की फैसिलिटी मिली है और इस टूर की जो टोटल कॉस्ट है वो $420 है। तो अभी जो बस आई है ये हमारी नहीं है, है ये स्वीट टूर्स की ही, बट ये जो सेकंड बस आई है हमें इसमें जाना है। तो अभी हमने मास्क पहन लिए हैं क्योंकि बस में मास्क पहने रखना मैंडेटरी है और अभी हम लोग चलते हैं बस में। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं जो हमारी यहाँ ग्रैंड कैनियन की टूरिस्ट बस है इसमें, और थोड़ी देर में अभी हम पैसेंजर्स को पिकअप करके हम लोग निकलेंगे और पैसेंजर्स को भी पिक करेंगे। तो लगभग इसमें एक घंटा तो लग ही जाएगा। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं बस में और जैसे ही सारे पैसेंजर्स आ जाएंगे फिर हम लोग यहाँ लॉस वेगस से निकलेंगे एरिजोना की तरफ जहाँ पे ग्रैंड कैनियन है, और हम आज जा रहे हैं वेस्ट रिम का टूर करने। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी सारे पैसेंजर्स आ चुके हैं और हम लोग लॉस वेगस से निकल चुके हैं एरिजोना की तरफ। और ये जो आप देख रहे हैं साइड पर बहुत बड़ी बड़ी और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको देख के लग रहा होगा कि हम न्यूयॉर्क में हैं, लेकिन नहीं, ये लॉस वेगस का स्ट्रिप एरिया है। यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है और यहाँ पे आईफिल टावर भी है, यहाँ पे पिरामिड भी है, और भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कल का हमारा प्लान है स्ट्रिप को एक्सप्लोर करने का और फिर हम डाउनटाउन भी जाएंगे यहाँ के। तो अभी फ़िलहाल वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक वंडर को देखने। तो बस में इन्होंने जो ब्रेकफास्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, हमने भी ले लिया है, और ब्रेकफास्ट में इन्होंने एक बनाना, मफिन्स, बिस्किट्स, जूस और कुछ कुकीज़ दी हैं, और मेरी डॉटर ने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट भी कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे लॉस वेगस जो है इट इज़ सराउंडेड बाय ड्राई माउंटेन रेंज, ये डेजर्ट वाला एरिया है, और जितना भी आपको यहाँ पे विजिबल पार्ट दिख रहा है दैट इज़ रॉकी एंड टू ड्राई, मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिड और रॉकी एरिया है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी एकदम डेजर्ट वाली है। तो यहाँ पे जो ओनली सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज़ कोलोराडो रिवर, और ये सामने वही रिवर आप देख रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं हमारे फर्स्ट स्पॉट पे जो कि है हूवर डैम का। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे हूवर डैम की साइड पे। तो अभी जो हमारी बस है इसने हमें रोका है हूवर डैम वाली तरफ, तो अभी हम जा रहे हैं उसे देखने। यहाँ से डैम तक जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये जो रैंप बना हुआ है इससे, और जो दूसरा रास्ता है वो है एक स्टेयर केस जिसमें 70+ स्टेयर्स हैं। तो हम लोग जा रहे हैं स्टेयर से ताकि हम जल्दी से वहाँ पहुँच पाएँ, और पहुँच के देखते हैं कि हूवर डैम की जो साइट है वो कैसी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बोल्डर सिटी के पास में जहाँ पे हूवर डैम सिचुएटेड है, और अभी मैं आपसे यहाँ का व्यू शेयर करती हूँ। बहुत विंडी है यहाँ पे क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं यहाँ पे। इस डैम की जो हाइट है वो है लगभग 700 फुट, जो कि लगभग 60 स्टोरीज़ के बराबर है, और इसकी लेंथ है 1244 फीट और जो विड्थ है वो है 45 फीट। इस डैम को बनाने के 3 मेन रीजन्स थे। मेन रीज़न था कि जो कोलोराडो के साइट्स पे जो भी सिविलाइजेशंस थी उन्हें फ्लड से बचाने के लिए, देन द अदर रीज़न वाज इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे एरिजोना, साउथर्न निवादा और कैलिफोर्निया को इलेक्ट्रिफाई किया जाता है, और हर साल यहाँ पर लाखों लोग आते हैं इस डैम का टूर करने के लिए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो
हुवर डैम के दर्शन कर लिए हैं हम लोगों ने, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस बस की तरफ, और नेक्स्ट स्पॉट आई थिंक हमारा ग्रैंड कैनियन ही होगा। तो ब्रेकफास्ट हमें मिला था बस में, हम लोग खा चुके हैं, और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अभी हम लोग वापस बस में बैठ गए हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट स्पॉट है वो है ग्रैंड कैनियन का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये वर्ल्ड के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है। तो लेट्स सी, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारी बस रुकी है, और अभी है लंच टाइम। गाइस, ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू बी अ डर्ट रोड back in the day. I used to work up here while they were building the skywalk. ये जो आप दूर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यही है द ग्रेट ग्रैंड कैनियन, और हम ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अभी हमें बस से उतार दिया गया है, और यहाँ से आगे कैनियन तक ले जाने के लिए डिफरेंट शटल्स चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। तो अभी पहले हम जाएंगे ईगल पॉइंट और स्काई वॉक वाला जो पोर्शन है उसे देखने। तो हम भी यहाँ पे शटल का वेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे आए हुए। तो ये एक शटल आ रही है, हर एक मिनट में यहाँ से शटल निकलती रहती है। तो अभी इसमें बैठते हैं और चलते हैं ईगल पॉइंट की तरफ। आप अगर यहाँ पे अपनी कार से विज़िट करने आते हैं तो मैं आपको रेट्स बता लेती हूँ टिकट के। जनरल एडमिशन जो है वो $56 पर हेड है, और स्काई वॉक के लिए सेपरेट टिकट है जो कि $26 पर हेड है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं ईगल पॉइंट पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स आए हुए हैं, और ये सामने हैं ग्रैंड कैनियन, और अभी मैं इसे आपको पास से भी दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जो व्यू है यहाँ का, और अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं तो मैं भी आपको पास से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड कैनियन है इसकी लेंथ है 446 किलोमीटर्स, माइल्स में कहें तो लगभग 277 माइल्स, और इसकी जो विड्थ है वो है 18 माइल्स, और जो इसकी डेप्थ है वो है लगभग 1 माइल की। और इसकी एज के बारे में एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये 5 to 6 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है स्काई वॉक, जिसे हॉर्सशू शेप का बनाया गया है। इसके लिए सेपरेट टिकट्स लेनी पड़ती हैं। तो अभी थोड़ी देर में हम भी जाएंगे स्काई वॉक पे, और वहाँ से हम लोग ग्रैंड कैनियन का व्यू देखेंगे। ये देख सकते हैं जो दूर रिवर दिख रही है, दिस इज़ द कोलोराडो रिवर, और इसी की फॉर्मेशन है ये जो कैनियन बने हुए हैं, और मिलियंस ईयर लग जाते हैं इन कैनियंस की फॉर्मेशन होने में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जियोलॉजिकल प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं स्काई वॉक की तरफ, और आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है लोगों की, काफ़ी लोग आए हुए हैं, एक लाइन लगी हुई है। तो थोड़ी देर में हमारी टर्न आएगी, और यहाँ सामने एक गिफ्ट शॉप है और रेस्ट रूम है, और ये जो दूसरी साइड पे आप देख रहे हैं दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द स्काई वॉक, और यहाँ से मैं आपको ईगल पॉइंट भी दिखाऊंगी। मैं कोशिश करूँगी स्काई वॉक पे जाके वहाँ से वीडियो कैप्चर करने का, वैसे यहाँ पे मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, लेकिन देखते हैं अगर परमिशन मिलती है तो। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी हैं स्काई वॉक पे, और
यहाँ से जो ग्रैंड कैनियन का व्यू है वो बियॉन्ड वर्ड्स है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, इसे सिर्फ यहाँ आके फील किया जा सकता है। दिस इज़ द स्काई वॉक और ये सामने है ईगल पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो ये एक ईगल की फॉर्मेशन लगती है, जिस वजह से इसे ईगल पॉइंट भी कहा जाता है। और चारों ओर यहाँ पे जो ग्रैंड कैनियन है उसकी जो ब्यूटी है वो तो देखने लायक है। तो अभी हम लोग स्काई वॉक से आ गए हैं और हमने ईगल पॉइंट अच्छे से देख लिया है, तो अभी हम लोग यहाँ से शटल में जाएंगे गुआनो पॉइंट पे। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड गुआनो पॉइंट। 1930 में यहाँ पे एक केव मिली थी गुआनो बैट की, जिसकी वजह से इस जगह का नाम गुआनो पॉइंट है। और यहाँ से आप 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं ग्रैंड कैनियन का। अभी हम लोग जा रहे हैं जो यहाँ पे वालापाई ट्राइब का एक गिफ्ट शॉप है, इसमें उस ट्राइब के जो लोग हैं वो खुद से चीज़ें बना के उन्हें सेल करते हैं। और इनके पास में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है हैंडमेड बास्केट्स की, एंटीक्स की, शो पीसेस की, तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जो ग्रैंड कैनियन है इन्हें देखने का जो एक्सपीरियंस है वो वंडरफुल था। मेरे पास में ज़्यादा वर्ड्स नहीं हैं एक्सप्रेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा ये। तो अभी टाइम हो गया है वापस जाने का, अभी वापस चलते हैं और यहाँ से लॉस वेगस पहुँचने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे अभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में आप शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जल्दी मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।